हेलो नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन मेंटर पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंकुर शर्मा, और जैसा कि आपको पता है कि आपको जो SBI क्लर्क का एग्ज़ाम है वो 22 फरवरी को, और उसके बाद आई थिंक 29 फरवरी को, और फिर 1 मार्च और 8 मार्च को है। ठीक है, मतलब ओवरऑल आपके पास मिनिमम 10 से 11 दिन, और यहाँ पे 10 दिन तो है ही मिनिमम। तो आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर कोर्स में मैं मैथ्स में 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा, या आप 200 मान लीजिए। वो क्वेश्चंस बेसिकली मॉक क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के लिए, और इस सीरीज़ को पूरा किया जाएगा, लेकिन सिर्फ इसी शर्त पे कि अगर आप इस वीडियो को सराहते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर करते हैं, और आप नीचे कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, और बोलते हैं कि दैट यू आर लाइकिंग द सेशंस। तो इसमें क्या कराया जाएगा पहले ये देख लें। तो आप लोगों का सपोर्ट भी इसमें ज़रूरी है, तो आप लोगों को पहले सपोर्ट करना है, कॉमेंट्स, लाइक, और इस कोर्स के बारे में बोलना है कि आप चाहते हैं इस अगले 10 दिन में अच्छे से प्रिपरेशन करना। तो अगर आप स्टार्टिंग से साथ रहेंगे तो एंड तक भी आप लोगों के साथ रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है क्वांट सेक्शन में बेसिकली आपको पता है 35 क्वेश्चंस होंगे जो 20 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। ठीक है, प्रीलिम्स में तो 35 क्वेश्चन को 20 मिनट में जब सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली टॉपिक्स यहाँ पे एक बार देख लें हम लोग। जो बेसिकली टॉपिक होंगे वो होगा नंबर सीरीज, 5 क्वेश्चन कंपलसरी है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के 5 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब मिनिमम 5 तो रहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 कई बार होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, और DI। ठीक है, और तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली हम, और वर्ड प्रॉब्लम बची यहाँ पे, वर्ड प्रॉब्लम। तो बेसिकली हम नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, DI और वर्ड प्रॉब्लम, इन सभी पे फोकस करने वाले हैं। तो टोटल 200 क्वेश्चन करेंगे जो मॉक टेस्ट होंगे। आज सैंपल के तौर पे 4-5 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन करते हैं सिंप्लीफिकेशन के, फिर आगे आने वाली वीडियोस में रेंडमली क्वेश्चन पिक करते हुए अच्छे से सेशन को आगे बढ़ाएंगे। बट आपको है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और सपोर्ट करना है कि दैट यू आर लाइकिंग द सेशन। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन में, हम इस पैटर्न को समझेंगे क्वेश्चन के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट के रूप में। क्या है कि 562.5 × 6 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 135 × 9 की पावर 10 डिवाइडेड बाई इतना इज इक्वल्स टू इतना। अब इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए आपके सामने, तो आपको करना क्या है, आपको देखना है कि भाई पावर की वैल्यू निकालनी है, आपको देखना है कि बेस क्या बन रहा है, मतलब बेस जो बन रहा होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क के नीचे, जो बेस बन रहा होगा सभी का बेस, वही बनाने की आप कोशिश करोगे। ठीक, तो 3.75 × 4 है यहाँ पे। तो किस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, आपको सिर्फ इतना करना है कि इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई करके देखो। अच्छा, 37.5 अगर मैं इसको बोल दूँ, 37.5, तो जब मैं इसका दुगना करने जाता हूँ, पहले डबल करेंगे तो 75 आता है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्या आता है, 75 आता है। ठीक, तो आप ये सोच के देखो, ये 4 गुना करेंगे, और जब इसको फिर से 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 75 × 150 आता है। तो यहाँ पे जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो इतना सोचने पे आपका 15 आएगा। क्यों, क्योंकि 150 मतलब 0.1 इधर लग रहा है, तो 15 की पावर बन जाएगी क्वेश्चन मार्क -6। ठीक, ये मैं इसलिए बताया आपको क्योंकि यहाँ फिर 37.5 बन रहा है, या कहीं पे भी जब 37.5 यहाँ पे परसेंटेज के रूप में भी आता है, तो 37.5 का दुगना यहाँ पे एकदम 75 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, 15 की पावर क्वेश्चन मार्क -6। अब यानी कि 15 सब में बनना है, तो 15 बनाने की आप कोशिश करेंगे, तो 37.5 को जब आप दुगना करेंगे तो आपको पता है क्या बन जाएगा, 75 बन जाएगा, और 3 तो 6 में से बच जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हो 75 × 3। ठीक, इतनी बात समझ में, पावर 7 तो है ही। अब 75 को आपको 15 की फॉर्म में बनाना है, तो 75 को क्या बोल दोगे, 15 × 5। ये चीज़ लिखनी नहीं है, मन में सोचना है भाई 15 × 5 = 75 होता है, तो इस वाले 5 की जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/15 बन गया, और 1/15 ऑलरेडी है, तो यानी कि 15 की पावर 2 बन गया एक तरह से, और उसकी पावर तो 7 है ही, यानी 15 की पावर 14 बन जाएगा, इतना भी खत्म हो गया डिवाइडेड बाय। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लो। अच्छा, 135 × 9 है, या अच्छा यहाँ पे डिवाइडेड बाय था, ठीक है, डिवाइडेड बाय 135 डिवाइडेड बाई 9 था, तो 15 नंबर 135 होते हैं, सीधा सा पता है, तो 15 की पावर 10 हो गया। ठीक है, फिर से यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा, यहाँ हमें समझने वाली बात है कि यहाँ 15 कैसे बनाए, तो या तो आप 15 से सीधा एक बार डिवाइड करके देख लो, ठीक है, नहीं तो अच्छा यही करके देख लेते हैं कि भाई 15 × 45 यहाँ से बचा 6 × 5 = 112, 15 × 7 = 105, और बचा 7, और 15 × 5 =
75। अब देखिए 37.5 आ गया, तो 15 से हमने डिवाइड किया, 15 आ गया। अब फिर से वही चीज़ बन गई भाई, 37.5 × 6 यहाँ भी तो बना था ना, 37.5 × 6, तो 15 की पावर 2 तो ये अपने आप में था ना, 1 15 और आ गया, तो यहाँ पे बन गया 15 की पावर 3 और 1 पावर पहले से है, तो ये कितना आ गया, 15 की पावर 18। ये बात समझ में आई, मेरी अंदर वाली चीज़ को हमने इस तरीके से फॉर्मुलेट कर दिया। अब ये 2 बार डिवाइड है, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है कि पहले वाले को तो ऐसे लिख दो 15 की पावर 18, और इन दोनों को नीचे ले आओ, तो 15 की पावर 10 × 15 की पावर 14, 7 × 14। अब देखिए, ठीक है, 15 की पावर ?-6। अब देखो यहाँ पे ये 18 है और ये कितना है, 10 और 14 24, तो 18 में से 24 गया माइनस का 6, तो ये बन गया आपका 15 की पावर -6 इज इक्वल टू 15 की पावर -6, तो यानी कि -6 इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो -6 से -6 कट गया, मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 0। तो जितने लोगों का यहाँ पे 0 आया, एकदम अच्छे से कमेंट करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना देखना है कि पावर, ये जो क्वेश्चन मार्क है, कि यहाँ पे मेरा बेस क्या बन रहा है, क्या देखना है कि मेरा बेस क्या बन रहा है। अब बेस तो ऑलरेडी 28 दिखाई दे रहा है, तो आपको देखना है कि क्या सब में 28 बन रहा है। बिल्कुल, यहाँ 28 बन रहा है, ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। ठीक, और ये प्लस में तो है नहीं, यानी ये तो पूरा एक टर्म होगा यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ये वाली एक टर्म होगी यहाँ से यहाँ तक, तो आपको 28 बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, या फिर आप 14 भी बना सकते हो, क्योंकि 14 × 2 होते हैं 28। तो इसको ऐसे करेंगे भाई, 28 को ब्रेक कर लो, यानी कि 7 × 2 में कर लो, पहले देखेंगे, क्योंकि ये भी 7 है, ये भी 2 है, बेस सेम होगा तब हमारी पावर्स ऐड होंगी। तो यानी कि 28 में क्या होगा, 7 × 4 हो गया, 4 को मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 7 की पावर 4.9 और ये बन गया 2 की पावर 2 × 7 की पावर 0.1 × 2 की पावर 0.2। अब देखो, ये जब बेस सेम हो जाता है तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, ऐड हो जाएगी, तो 7 की पावर तो 5 बन गया इंटू, अच्छा ये क्या था यहाँ पे, अच्छा इस 2 की पावर 4.9 और था, यानी इसकी पावर कितना था, 4.9 और था, तो 49 दूना कितने होंगे, यहाँ पे आ गया 2 की पावर 9.8, और ये 2 की पावर 0.2 अलग था, तो जब इसको ऐड करेंगे तो 10 हो गया, यानी कि 7 की पावर 5 × 2 की पावर 10। ठीक है, मैं समझाते हुए आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे डिवाइडेड बाय, अभी क्या आएगा, ये 7 है, ये 2 है, ठीक, यानी कि ये डिवाइडेड में है, तो पूरे पूरे को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसके नीचे, 7 की पावर -2.5 × 2 की पावर -5। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे माइनस में क्या होगा, ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7 की पावर 7.5 × और 2 की पावर ये कितना बन गया, 10 और -5 यानी 2 की पावर 15 बन गया। ठीक है, आप इसको खुद भी सॉल्व करके आगे बता सकते हैं, आगे देखेंगे अब यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो छोटी सी एक बात, 7 की पावर 7.5, 2 की पावर 15, अब कुछ भी नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, 7 की पावर 7.5 तो है ही, 2 की पावर 15 को ऐसे ब्रेक कर लो भाई, 2 की पावर 7.5 और 2 की पावर 7.5, इतना तो कर सकते हैं ना। तो जब 2 की पावर 7.5 है, मैं लिख दूँ एक बार यहाँ पे, तो पावर सेम होने पर जो नीचे बेस होता है उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 7 × 14, तो ये बन गया 14 की पावर 7.5 × 2 की पावर 7.5। अब देखिए, जब पावर सेम है तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, अभी तो बताया मैंने, तो 14 × 28 हो गया, तो 28 की पावर 7.5 और इज इक्वल टू में क्या था, 28 की पावर ?, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई कंपैरिजन करने से, 7.5। आई होप कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, अब देखिए ये भी लगभग उसी टाइप का है, अब क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है कि भाई कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको समय दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, आपको सीधी सी बात है कि भाई बेस में 3 है, ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तो बेस 3 बनाना है, यहाँ 3 है, ओके, यहाँ 3 है, बिल्कुल 3 है, क्योंकि 9 है ना, 9 की पावर 4.7, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख लो, यहाँ क्या बन रहा है, क्या यहाँ पे 9 बन रहा है या 3 बन रहा है, तो 3 और 9 से क्या कंडीशन होती है, जो इनका एडिशन है डिजिट्स का, वो 3 और 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 6 और 6 12 और 6 18, यानी कि ये 3 और 9 से दोनों से डिविजिबल है, तो इसको 9 से काट के देख लो। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये बन जाएगा 81 × 81 का स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ये 9 की पावर 4 बन जाएगा, करके देख लेंगे आप, 9 की पावर 4, यहाँ पे 1.2, और ये बन गया 9 की पावर 4.7। ठीक है, तो यानी कि ये अभी तक 9 बना लिया, यहाँ भी 9 बन रहा है, यहाँ भी 9 बन रहा है, 3 भी बना सकते हैं लेकिन बड़ी है तो पावर्स कम होंगी, तो यहाँ पे क्या बन गया, अच्छा 3 की पावर 12.8 है, तो एक काम कर लें,
क्या इसे मैं 9 की पावर 6.4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। एक दो हमने अंदर ले लिया, 12.8 में से आधा कर दिया 6.4, एक दो हमने अंदर ले लिया, इज इक्वल्स टू 3 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब आप कहेंगे कि बेस तो 3 था, हमने 9 क्यों बना लिया? 9 और 3 आपस में सेम है इसलिए हमने 9 बना लिया, यानी कि 9 को हम बाद में 3 की पावर 2 बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मल्टीप्लाई, ये डिवीज़न, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है और डिवीज़न में घट जाती है, तो 9 की पावर कितना बन गया? 4.7 प्लस का 1.2 माइनस का 6.4। ये बात समझ में आ गई होगी, 3 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब इन सबको कर लो सॉल्व आराम से, 7 और 2 9 4 5 यानी कि 5, यहाँ कितना बन गया? अच्छा, ये 9 की पावर 1.2 नहीं, 4.8 बन जाएगी, यानी 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ये बन गई 4.8, ठीक है। तो 47 और 48 को आप जब ऐड करोगे तो कितना आएगा? 95, यानी कि 9.5, और माइनस का 6.4 नौ की पावर, तो ये कितना आ गया? 9.4, यहाँ पे 0.1 यानी कि 3.1 बच गया, तो 9 की पावर 3.1 इज इक्वल टू 3 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे 9 को लिख दिया हमने 3 की पावर, ये बन गया 6.2 3 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो x की वैल्यू यानी कि कितनी आ गई? 6.2 आ गई ना। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अच्छे लेवल के होंगे, ये अलग टाइप आता है। अभी मैंने 3 क्वेश्चन एक टाइप के करा दिए, आगे देखते हैं। क्वेश्चन मार्क की पावर 3 है, क्वेश्चन मार्क की पावर 3 है, माइनस का ये इजी है, ये भी इजी है। अब ये थोड़ा टिपिकल है, 35 का स्क्वायर निकालना बड़ा आसान है, जिसके लास्ट में 5 होता है तो लास्ट में 25 आ जाता है, और जो भी डिजिट होती है उसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 का अगला नंबर होता है 4, तो 3 की 4 से मल्टीप्लाई 12। अच्छा, 20 और 25 जैसे अभी ये काम किया है, यानी कि स्क्वायर रूट लेना है, अब तो 25 की जगह तो 5 आ गया, 25 की जगह तो 5 आ गया, और 20 को ब्रेक कर लो 4 × 5 में, यानी कि 45। समझ में आया कैसे? यानी यहाँ से हमने स्क्वायर निकाला और यहाँ से स्क्वायर रूट निकाला, आई होप के समझ में आया होगा, ठीक है। इन दोनों को आप यहाँ पे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। ये कितना आ गया? तो क्वेश्चन मार्क की पावर 3 ऐसे लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि क्वेश्चन मार्क की पावर 3 माइनस का 4.58 इज इक्वल्स टू 1270, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की पावर बन गया 17/28, और ये होता है 12 का स्क्वायर रूट, ठीक है। 17/28 का क्यूब रूट करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है यहाँ पे, पहले ये देख लें। अच्छा, वीडियो के लास्ट में मैंने अभी बोला आपको कमेंट और लाइक करना है कि यू आर लाइकिंग द सेशन और नॉट, क्योंकि तभी आगे के सेशंस लाए जाएंगे। देखिए 17/28 है तो इसका क्यूब रूट सबको याद होना चाहिए कि 12 होता है। अच्छा, एक सेशन मैं लेके आऊँगा स्पेशल, आप जितना अच्छे से लाइक करेंगे मैं उतने ज़्यादा सेशन लाऊँगा कि क्यूब रूट और स्क्वायर रूट को स्पीड से कैसे एक बार कैलकुलेट करें। प्लस 12/96 का अंडर रूट निकालना है 36, ये 21 का होता है 441, ठीक है, 21 का होता है, माइनस का 9261। अभी आपने देखा हमने इजीली किया। अच्छा, एक बात और समझ में आ रही है कि भाई 9261 का क्यूब रूट करना है। वैसे तो हमें फॉर्मूला है कि भाई यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 आ गया और 9 को देख के मैंने 2, मतलब ये भी एक फास्टेस्ट ट्रिक है। अदरवाइज ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, कि भाई 16 का कितना है, 15 का कितना है, ठीक है, इज इक्वल टू ऐसे। चलिए अब क्या करें, अब तो कुछ भी नहीं। चलिए 21 से 21 कट गया, 6 और 2 8 3 और 1 4, यानी कि 48 आपका आंसर आ गया। तो 48 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क आया, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। अब आएगा दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर, तो 48 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करा तो क्वेश्चन मार्क आ गया, तो यानी कि 2304 आ गया, ठीक है। 48 का स्क्वायर कैसे? 2304। ये मैंने डायरेक्ट कैसे निकाला, इसके लिए भी सेपरेट वीडियो बन सकती है, बट आपको मैंने अभी बताया कि आपको लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है और बताना है कि सेशन कैसा लगा। इसके अलावा और इंग्लिश का सेशन गरिमा मैम के द्वारा लाया जाएगा, ऑलरेडी एक सेशन अपलोडेड है, आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे सेशन लाए जाएंगे। शी इज़ ऑल्सो सेलेक्टेड इन SBI, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए अगले सेशन में मिलते हैं, अच्छे से वीडियो को लाइक और शेयर करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और बताएँ कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर।